नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्च काउंटर रीडिंग टेस्टिंग करना सिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये डबल स्टैक एलए है एट 220 साइड। आप ये देखिए, ये वन कंडक्टर जो है ना, आर फेज उसके नीचे ही है। ये पर फेज पर एलए लगता है। ये देखिए, ये आर वाई बी तीनों फेज, और ये आप देख रहे हैं डबल स्टैक एलए है, और ये काउंटर है ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम चेक करेंगे। जैसे अभी आप देखिए, ये हमारी सप्लाई है सिंगल फेज, और ये जो पॉइंट है, ज़रा हटाना इसे, ये जो पॉइंट है ये अर्थ वाला है, ये वाला दोस्तों, ये वाला। और जो है यहाँ मेन, यहाँ पे हम एक सिंगल फेज सप्लाई देंगे। मैं आपको बता दूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखिए, हमने ये फॉर्मेट जो दिया हुआ है, इस काउंटर सीरियल नंबर मैंने लिख लिया, सीरियल नंबर क्या है और काउंटर मेक किस मेक का है, सीजी पावर का है। अब काउंटर रीडिंग ऑलरेडी इसमें 6 है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ये फैक्ट्री से जो रीडिंग आई है ना, ये 6 है। तो इसका मतलब इसको 6 बार फैक्ट्री टेस्ट किया गया है। जैसे क्या होता है, जब भी टेस्ट करते हैं इसको, FAT हो गया या फिर हम साइड पे टेस्ट करते हैं, तो ये जो काउंटर है ना, +1 हो जाता है। एक बार काउंटर बढ़ जाता है। अगर हम फिर इस बार टेस्ट करेंगे इसे टॉप रेटेड वोल्टेज और करंट पे, तब ये जो काउंटर रीडिंग है +1 हो जाएगा। जैसे 6 है तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के LA जो भी हैं यहाँ पे, उनके डिफरेंट टाइप काउंटर रीडिंग हुई होगी, तभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए, ये सिंगल फेज सप्लाई है, ये जो हमारा है ये न्यूट्रल है, और ये जो हमारा मेन है। अब देखिए, न्यूट्रल हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट है। अब यहाँ मेन हम टच करेंगे, या देखिए हमने सप्लाई ऑन कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे से इसमें टच करेंगे, तो हमारा अगर हमारा ये डेविएट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो काउंटर है वो ठीक है। या टच देखिए दोस्तों, देखिए पूरा फुल डिफ्लेक्शन हो गया, तो इसका मतलब हमारा काउंटर ठीक है। या ऑफ द सप्लाई। ओके दोस्तों, थैंक यू।